धोरण सात विषय हिंदी टेम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपका पुनरावर्तन दो जो मैं आज आपको समझा रही हूँ वो आज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो समझिए आप पेज नंबर 48 पुनरावर्तन दो शब्दकोश। पहला प्रश्न नंबर है कि शब्दकोश कोश में से शब्द के अर्थ लिखिए। पुनरावर्तन और पीछे जो कसौटी है वे मैं आपको समझा दूं, बाद में आपको निबंध करवाना है वो मैं आपको लिखवा दूंगी। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है अक्टूबर में 26 डेट को, 26 या 27 को। तो आपको घर पे तैयारी करनी है। जो नई बच्चे करते हैं, नई लिखते हैं, नई वीडियो देखते हैं, उनको आपको घर पे तैयारी करना है। तो आप ध्यान से सुनिए, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। मंजिल, मंजिल का अर्थ क्या होता है? मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। चाम यानी कि चामड़ा, निराला यानी कि अनोखा, ये उसके अर्थ है। मैंने बोला था ना कि अभी पाठ खत्म हो जाए तो उसके पीछे शब्दार्थ है वो पढ़िए। तो वो हमको तरुवर आगे आ गए हैं। तरुवर क्या है? एक पेड़ वृक्ष का वृक्ष है वो। इरादा यानी कि निश्चय यानी के विचार। तराना गीत, भस्म यानी के राग। सूप एले के अनाज साफ करवा माटेनु, એટલે સૂપ યાને કે અનાજ સાફ કરને કા સાધન। ચટકાય એટલે કે ખીંચ કર ઝટકશે। ઉપાધિ યાને કે પદ, ઉપાધિ યાને કે પદવી। નીચે પ્રશ્ન નંબર દો, નીચે દિયે ગયે પ્રશ્ન કે ઉત્તર લિખીએ। પહેલા પ્રશ્ન હે સભી ધર્મો કા સાર ક્યા હૈ? સભી ધર્મો કા સાર ક્યા હૈ? કે હમે દૂસરો કા ભલા કરના ચાહીએ। दूसरा प्रश्न है कि साधु कैसा होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? उत्तम पुरुष वाला साधु, सूप जैसा साधु होना चाहिए। तो साधु जो होता है वो साधु जो सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का क्षार ग्रहण कर ले और जो वस्तु हमें चाहिए ही नहीं उसको छोड़ दे, ऐसा साधु होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है के विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। चौथा प्रश्न है कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो चौथा प्रश्न है कि गरीब की हाय के लिए लोहार की ही धोखनी का उदाहरण दिया गया है। और प्रश्न नंबर दो का ब है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की यह विशेषता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हम सब एक है, यह हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है कि तुलसीदास हमें सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो सुनिए, तुलसीदास जी जो है वो हमें इसलिए कहते हैं कि हमें आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता हमारी दृढ़ होती है और लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख शांति मिलती है, इसलिए हमको हम सबको हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चलो अब नया प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयास से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था, यह डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से यह सब संस्थाएं प्रारंभ हुई। उसके बाद में नया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल एकरूप हुए हैं।
उसके बाद में है कि योग्य विराम चिन्ह लगाइए, वो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4 के शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसको हमको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, यानी कि जो अर्थ निकलना चाहिए यही हमको बनाना है। पहला है कि नदी हम बैठे के थे किनारे, वो उलट सुलट दिया गया है, इसका हमें सीधा वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है कि जिसका कंप्लीट अर्थ होता हो, ऐसा हमको बनाना है। तो आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 यही आपको लिखना है। तो आप कैसे उसका जो वाक्य था, जो आप कैसे बनाओगे आप अर्थपूर्ण वाक्य, तो अर्थपूर्ण वाक्य आपको ऐसे बनाना है कि हम नदी के किनारे बैठे थे। चलो दूसरा है, तो दूसरा वाक्य है कि ऊपर है कि पेड़ बंदर कितने, तो कैसे बनाओगे आप उसका वाक्य, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है। तीसरा है कि वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। चौथा वाक्य है कि दो उनका कर हुआ माल सामान लूटा उन्हें वापस, એટલે શું કહે છે કે उनका लूटा हुआ माल सामान उन्हें वापस कर दो। पांचवा प्रश्न है कि दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो सारी दुनिया क्या करती थी, उनकी इज्जत करती थी, यह उसका अर्थपूर्ण वाक्य होता है। यह था प्रश्न नंबर 4। उसके बाद में क्या आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर जो 5 है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, वो तो हमको आता है, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, नौकर नौकरानी, डॉक्टर डॉक्टरनी, लड़के तो लड़की, या ऐसा करके हमको पहले जो शब्द के नीचे अंडरलाइन की है ना, वो शब्द की हमें पहले लिंग परिवर्तन करना है, उसके बाद में वाक्य भी बदलना होगा। तो पहला है तो क्या आएगा, आज शिक्षक नीलेश ने कुछ बात कर रहे थे, तो शिक्षक का क्या आएगा, शिक्षिका। तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। दूसरा था वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना ना चाहता है, लेखिका बनना चाहती है। लेखक हो तो लेखक बनना चाहता, पर लेखक से लेखिका हुआ यानी कि लड़की, तो लड़की क्या होती है, वह लेखिका बनना चाहती है। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, पहला जो था क्या था, आज शिक्षक यानी कि शिक्षिका, तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बातें कर रही थी, और लेखिका वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकर का क्या आएगा, नौकरानी आएगा, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। लड़के का क्या आएगा, लिंग परिवर्तन करोगे तो लड़के का लड़कियाँ आएगा, तो लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है। लड़कियाँ लड़के से लिंग परिवर्तन करके लड़कियाँ आया, तो लड़कियाँ क्या होती है, तो एक से ज़्यादा होती है, तो वो लड़कियाँ, तो लड़कियाँ खेल, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है। यह था हमारा लिंग परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 4 और 5 हमें हमारी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है मौखिक कसौटी, मौखिक कसौटी नहीं करनी है आपको, सिर्फ अपनी पुनरावर्तन अपनी नोटबुक में लिखना है। वो आप अपनी पुनरावर्तन अपनी नोटबुक में लिख दो, तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मैं आपको अभी एक कसौटी जो है वो सिखानी बाकी है।
कौन सी कसौटी है? लेखित कसौटी है, पेज नंबर 51 पर। तो आज मैं उसके बाद आपको लेखित कसौटी सिखा दूंगी, उसके बाद निबंध कर देंगे। व्याकरण तो हम लोगों ने चला ही दिया है आपको, तो बस इतना कर देंगे, रिवीजन करेंगे। बाद में आपके एग्ज़ाम है, आपकी एग्ज़ाम ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर ख़त्म होने आए, 26 या 27 को आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। आपको कितने मार्क्स के पेपर आने वाले हैं मालूम है आपको? वो आपको 80 मार्क्स के पेपर आएगी आपको। कितने? 80 मार्क्स के, जो आपके जो होते हैं ना फर्स्ट सेमिस्टर के। तो आपको अभी तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखा है, नहीं पढ़ते हैं घर पे, तो घर पे पढ़ना शुरू कर देना, लिखना, जो होमवर्क अधूरा है वो कंप्लीट करना, घर पे तैयारी करना और अपना ख्याल रखना। ओके, तो बाद में लेक्चर आएगा उसका, तो हम लिखित कसौटी आपको समझा देंगे। तब क्या करेंगे? पुनरावर्तन दो पढ़ेंगे, लिखेंगे। थैंक यू।